अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्ट टच के एक्नी क्लिजिंग मिल्क विथ टी ट्री ऑयल। ये क्लिजिंग मिल्क जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके फेस पर एक्नी हो। नीचे मेंशन है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। पैकेजिंग की बात करें तो ये ट्यूब फॉर्म में है और ये 120 ml की जो है वो ट्यूब है, जिसकी प्राइस जो है वो 150 या 120 ऐसे ही है। बैक पे देखें तो सबसे ऊपर इसके एक्सपायरी डेट मेंशन है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की कि इसके अंदर जो है क्या शामिल है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो है वो एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे मेन काम जो टी ट्री ऑयल का है वो क्या करता है, आपकी स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। इससे ये होता है कि आपकी एक्नी जो है वो मज़ीद फैलती नहीं है, मज़ीद दाने नहीं होते, प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ती नहीं है। और इसके अलावा जो पहले से आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, आपके एक्नी पिंपल्स होते हैं, वो ड्राई होना शुरू जाते हैं। टी ट्री ऑयल जो है वो आपकी स्किन पर रेडनेस को भी कम करता है, स्वेलिंग भी कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन भी। टी ट्री ऑयल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। टी ट्री ऑयल को जो है वो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मेन है वो है स्लैलिक एसिड। स्लैलिक एसिड जो है वो एक्ने मेडिकेशन में यूज़ होता है। स्लैलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन पर बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्या करता है, आपके पोर्स जो क्लॉग हो जाते हैं उनको अनक्लॉग करता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं। आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं होंगे, जो आगे जाके पिंपल्स बन जाते हैं। जब आप कभी भी कोई भी एक्नी मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा उसे यूज़ किया और आपकी स्किन क्लियर हो गई, क्योंकि स्लैलिक एसिड जो है उसको आपने 2 से 3 हफ्तों तक इस्तेमाल करना होता है, फिर आपको रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह इस क्लिनजर को भी अगर आप डेली यूज़ करेंगे तकरीबन 1 मंथ तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। थर्ड चीज़ जो इसके अंदर ऐड है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये करता है आपकी स्किन पर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, यानी कि एज अ एक्सफोलिएट वर्क करता है। सिट्रिक एसिड जो है वो आपकी स्किन पर जो रेडनेस होती है इसे रिड्यूस करता है। इसके अलावा ऑयल कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यही वजह है कि ये ऑयल कंट्रोल करता है। तो इस मेन क्लिनज़र का भी यही लिखा है कि ये क्लिनज़र जो है ना सिर्फ आपकी एक्नी को ख़त्म करता है बल्कि आपके फेस पर ऑयल कंट्रोल करता है। इन दोनों वजह से ये क्लिनज़र जो है वो ऑयली और एक्नी स्किन वालों के लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो इसे यूज़ ना करें। अगर बात करें इसके टेक्सचर की तो ये बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, क्रीमी सा। और इसके अलावा इसकी स्मेल जो है वो माइल्ड सी है, हर्बल सी स्मेल कह लें या मेडिकेटेड सी स्मेल कह लें, लाइट सी जो है इसकी स्मेल है। और इससे जो है इसका बिल्कुल हल्का लाइट ग्रीन सा कलर है। अब बात करते हैं कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसे यूज़ करने का तरीका जो इस पर लिखा हुआ है वो ये है कि आपने इसे लेकर 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करना है। मसाज ऐसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये क्लिनज़र आपकी स्किन में जज्ब हो जाए। उसके बाद अपने फेस पर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने देना है। 10 मिनट बाद आप इसे कॉटन से साफ़ कर लें या अपने फेस को वॉश कर लें। सबसे इसकी अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि ये एक तो इकोनॉमिकल है, यानी कि इसके प्राइस जो हैं वो बहुत लो हैं। सेकंड, इसमें कोई पैराबेन कोई सिलिकॉन्स ऐड नहीं है।